सरस्वती जी ने ऐसे जब हम घर से आवे ना हम रोटी खा के नहाते हैं। अरे मेरी बाबो अरे मेरी लादो। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है पार्क का हॉलीडे, है ना गुड्डो? वरना अब तक तो नहा धो के स्कूल आराम से, और अब देखो इसके मजे। मिल रही है मतलब हद है बिल्कुल। गंदे
तो अब आंसू दिखाएगी अपनी तियल जो जो हमने इसको बनवाई है। देखो भाई हमने दिखाने वाली हूँ अपने कपड़े। हाँ देखो ये सूट भी मेरी प्रीति भाभी ने दिया था। हाँ राखी पे दो दिए थे, एक ये वाला और एक और है। तो भेंट भाड़ी भी हमने तुझे दे दी, ठीक है? कोई गीला शिकवा नहीं जी। हम तो कभी वैसी बोल रही हूँ और ननन झूठ न बोलती, तुम्हें पता लेकिन हमारा आगे रह वे हर कोई, हम भी रह वे कभी हो कि हम मतलब झूठ वूठ बोल रहे ऐसे कुछ ना। बाकी मम्मी की तरफ से माँ के तो रह वे अपनी बेटी को यू कर दे वो कर दे, क्योंकि हम भी है अपनी माँ की बेटी, हमारे भी रह वे अपनी मम्मी पे सिया ले ले वा ले ले। तो मम्मी जो कुछ भी दो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट जो हमें देना हमने वो दिया। सूट थे तो देखो कुछ ऐसा ही, इसका दुपट्टा भी अच्छा है कुछ ऐसा दुपट्टा तेरे वो ना जो तूने कल डाल रखा है, पर उस पर लेस ना, इस पर लेस है। पैक करो तो ये शिवानी जैसा, शिवानी की ही पसंद का, इस पर सिर्फ ये और बाजू है और ये दुपट्टा, इसको भी अच्छा इनमें शायद हो सके अस्तर भी निकले। अस्तर ना है, भी 3-3 मीटर कपड़ा है, मतलब सलवार को 2.5 मीटर 3-3 मीटर पूरा डर तो उसका साथ को। वो फिर किससे बनाया आपने यो? मतलब सलाई से बहुत ज्यादा था, अच्छा लग रहा है सच में। देखो बढ़िया इसे वहां गेट नीचे और उसमें डाल दिए पैर, जब पैर ये भी फूल जाएंगे और जब कटवाई नु करी अब काट दियो तुम इनका फूल ना कह दे दो। हाँ नरम हो जाओ पानी जब ना हो ना, जब हो जाए नरम का। अब कह रही हूँ भाई ये हुई हुई घने बड़े बड़े हो रहे। हाँ वो काट दे नरम गुलाब दे इसे काट दे कर दे। अरे ऐसे इतने बड़े हो जाए डर रहे हैं कहीं लग गए ना टूट जाएगा फिर बीचों बीच टूटेगा। एक दिन बीच काटे मेरा एकदम उस पर भी लग गया वो ब्लेड से ना काटती मैं, मुझे तो ब्लेड से डर लगे। एक दिन याने मार दिया और मैं तो इससे ही काटती।
इससे क्या पार्थ के काटू ज्यादातर तो इसकी बढ़े बहुत है, फिर स्कूल जावे चेक वेक हो गए। अब कहते रहो मुझसे मम्मी अब नखून काट देना मेरे। बुआ जी ऐसे बनवा रही है कि मैं सिर ढक के बढ़वाऊंगी। पोज ले रही है बुआ जी। अब सही आ रही है। नंगा आज तो पार्थ में लोग लग रहा हूँ। चलो आ जाओ मटर है आनी के आके दूध पिया नहीं ना तूने। मुझे तो दिखाई नहीं। उसकी आंखें लाल होना चालू हो जाती है और वो उठकर दोबारा से झूले पे बैठ कर झूला झूलने और जोर जोर से गाना गाने लगती है। इसका गाना सुनकर रमन और घर के बाकी सदस्य उठ जाते हैं और शूले की तरफ भागते हैं। शालू कामिनी के पास जाकर बोलती है, कामिनी तुमने बोला था कि रात में झूले पर मत बैठना, लेकिन तुम फिर भी आ गई। शालू को गुस्से में देख कामिनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो धीरे धीरे चुड़ैल बन जाती है और शालू को पकड़ लेती है। चुप कर पागल, कितना बोलती है, नहीं तो तेरा टिट हुआ यही दबा, जल्दी यहाँ से दबाओ जाओ और मुझे झूला झूलने दो और ये बच्ची भी अब मेरे पास है, चलो जल्दी से मैं इस कामिनी को मार डालूंगी। जब रख के गई चप्पल लिया तो इधर फिर चुड़ैल झूला झूलने लगती है और दो तीनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चमन गांव वालों के पास जाता है और उनकी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर एक गांव वाला जिसका नाम बिट्टू होता है बोलता है, सच में ही तू जा रही है मुझे कती वो। और पता कल मैं ही कह रही कल जिसमें बढ़ती ना तो तेरे रसगुल्ले मैं सोची मतलब मैं खा लूँगी सुबह उठूँगी जल्दी और तो फिर देवता वेतन पे चले गए पॉम वॉम में लग गई और अब भी मेरा कती मन ना करो पर हो रहा कि मैंने कल से रोटी ना खाई अब खा लूँ वरना गैस वैस बन जाएगी। राज कती जी ना ऐसा है जब हम घर से आवे ना हम रोटी खा के ना आते। देखो ऐसी किसी की भाव जाए वाला जब ननन जावे रोटी भी ना खावे सच में
कि मेरे नैना जारी में जी न लगे भाई, अब तो आना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अच्छी बात है, अपने घर राजी खुशी रहो, खूब आओ खूब जाओ। जो भी रिश्तेदार आना उस सुबह कह देगा मैं आ रहा हूँ, और हम इंतजार करते करते थक जाओ बिल्कुल, जब लगे कि हम भी आएंगे। अब हमने सब कुछ उनका नाश्ता वास्ता सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन मजाल जो वे आ जाओ ऐसे मेरे तो मतलब पता ना क्यों मन में लूलू सा क्या महीना है आवे ना, मतलब यू रह वे, हमने किसी को कुछ तैयारी करी है तो यू रह वे, अब जल्दी आ जाओ बस, ऐसी रह वे, ऐसे रह वे मेरा। अब वही नाश्ता वास्ता सब कुछ रेडी है, और मुझे ये लग रही है कि आ जावे वो और मैं उन्हें नाश्ता करा दूं, ऐसा लग रही है। दबा दिया है अब ओके कर दिया। पूछ फूफा जी कहाँ आ गए आप, ओके उठाया है ना पहले ही फूफा, और नमस्ते तो कर लें। नमस्ते। ये खूब आप कर लें नमस्ते, जब तो फोन पे ही कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने नाश्ता करा दिया, अभी आशु को तैयार कर दो फिर खाना बनाऊंगी, अभी उसकी देख लूं क्या पैकिंग है, कुछ रह जाए फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो कह रही है मम्मी तेरे यहाँ कुछ शरारा को, ये लोवर है लोवर है यू प्लाजो यू, जिसकी वजह से हमें भूख न लग रही कि वो जा रही है, उसे दिखाती हूँ मैं अभी आपको। देखिए साफ कर रही है, अब यार ने उठाए तो ही अब वो देखो हमारी भूख की भी पता हो जब गेस्ट आ तो कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा तो आ गई। अब हमारे समोसा आगे कह रही भाभी ये हम पे शाम तक खाए ना जा, और सच बात है समोसे तो मुझे बहुत ही बुरे लगे, ज्यादा से ज्यादा एक मम्मी और आधा आधा मेरे पास, तू ले जा समोसे मैं। लेकिन फिर भी इस तरीके से टेस्ट बना लिया, अच्छे लग रहे ना, दही वही गिर गए, आंसू ने भी कर लिया अपना काम, दही दही खाली कटोरी पर इसने दही वही ना गिरी ना चाय गिरी में सबर से खाना चाहिए सबर से फुर्ती में आ तो फुर्ती आ तो आल का ना लगाएगी ना अभी, हाँ ले आ मैं मेकअप पसंद है ये तो, ये ग्रीन रेड में रेड चूड़ी लाई ना मैं, रेड चूड़ी ना लाई, और जो भी मैंने दुआई वे कैसी है जल रही वे तो मोड़ की सारी एक दर्जन पहली में तीर से अब तक अब मैंने सोच रही मैं लाइट सोच हमारे ने उठा उठा कर मिठाई ध्यान रख लीजिए नाश्ते भाई वे मिठाई रख दो कह रही मैं समोसे दम पर शाम तक बिन खाए जाओ मैं तू ले जाता उठा ले जाता ठीक है भाई हम जा रहे हैं, हम एक दो साल बाद भी नहीं है एक दो साल। तो जैसा कि आप सबने देखा सुबह से हम लगे थे इस तैयारी में, सुबह से जो मेरा ब्लॉग था ये मीन यही था कि हाँ मतलब आज आंसू जा रही है। एक मुझे कमेंट आई भी थी कि हाँ मतलब आपकी ननन ससुराल नहीं जाती है, कि आपकी ननन यहीं पे रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए स्पेशली मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि कहीं आपको लगता हो या कुछ भी पता नहीं जो भी ब्लब ब्लब सोचते हो,
ऐसा नहीं है कि वो जाती नहीं है, जाती हैं, बट वही है ब्लॉगिंग भी मैं ज़्यादा टाइम से नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है ब्लॉगिंग करते करते। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बिज़ी होते हैं या कुछ भी, थोड़ा मतलब फैमिली कैमरे के सामने पहले नहीं आती थी, अब तो फिर भी आने लगी है, इसलिए मैं थोड़ा फैमिली के कैप्चर आपने भी देखा था कम ही लेती थी, बाहर के अपने मायके के ज़्यादा लेती थी, लेकिन ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, या फिर आप सब इस बात का कुछ इशू बनाते या सोचते कि अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो कुछ ना कुछ रीज़न है, तो ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आपके कमेंट देख के ये वाला ब्लॉग, मैंने कहा चलो ये वाला ब्लॉग तो शेयर करना बनता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाती, जाती है, बट वो ये कि आना जाना लगा रहता है, आपको पता है हम भी आते जाते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, तो वही है आशु का भी यही है, मायके में भी है और ससुराल भी, जब शादी होगी तो जा ही रही है, ऐसा कि ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आज तो जा चुकी है, अब हम सो के उठ चुके हैं, तो अब करना है मुझे बाकी का काम अपना, ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि बड़ा हो, फिर आप कुछ ये कि हाँ इतना बड़ा व्लॉग है बोर हो गए कुछ भी, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगी, जिस टॉपिक पे व्लॉग था वही टॉपिक का एंड हो चुका है, तो मैं व्लॉग का भी एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।